आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी बड़ा है, काफी अहम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगा। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि ईडी का जोरदार एक्शन है। ईडी अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की कोशिश में है। सूत्रों की माने दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आज ईडी आरोपी बनाएगी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर आज फैसला सुनाया जाएगा, वहीं माना जा रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय आज ट्रायल कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी घोटाले में चार्जशीट दाखिल करेगा। ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी एजेंसी के द्वारा दायर चार्जशीट में किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर सुनवाई दिन भर चलती है तो फिर चार्जशीट शनिवार को दाखिल की जा सकती है। फिलहाल देखा जाए ईडी अब लगातार सबूत जुटाने में तो जुटी है, वहीं दूसरी ही तरफ आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल कैसे भी करके जेल से बाहर आ जाएं। बीते गुरुवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी, जबकि अभी जेल से चुनाव लड़ने वाली नेताओं को भी जमानत की अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरह से ईडी ने अपनी बात कि अब देखना यही होगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की चुनाव के दौरान गिरफ्तारी हुई उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात रखी। अब देखते हैं कि आज याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है। केजरीवाल की वाकई में रिहाई हो जाएगी या फिर केजरीवाल एक बार फिर से जेल जाते हुए नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।